हिमांशु हियर और ये वीडियो में हम बहुत ही एक पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे दैट हैज ग्रेट एक्यूरेसी एज वेल एज अ ल्यूक्रेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो देता है वो स्ट्रेटेजी है और जो सीजन ट्रेडर्स है उनको तो ये हेल्पफुल होने ही वाला है बट पर्टिकुलरली जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स है दे आर गोइंग टू फाइंड दिस स्ट्रेटेजी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल। पार्ट टाइम ट्रेडर्स जिनके पास कोई टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं है, इवन दो दे कैन फाइंड दिस स्ट्रेटेजी एक्सट्रीमली यूजफुल। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली दो चीज़ें हैं उस पर बेस्ड है, एक फिबोना के टूल्स जो टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं एंड सेकेंडली प्राइज एक्शन। तो सबसे पहले आप थियोरेटिकल पार्ट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छे तरह से पता चलेगी, ठीक है। तो फिबोना की सिक्वेंस है दैट इज मैथमेटिकल कंसेप्ट, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में थियोरी डिस्कस नहीं करूंगा, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द थियोरी यू कैन जस्ट गूगल। हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे है उसकी ट्रेडिंग में वो डिस्कस करेंगे। तो फिबोनाची के साथ कुछ कंसेप्ट है वो आपको समझने हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है। बट सबसे पहले अगर आप नए हो तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कंटेंट्स पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ट्रेडिंग में, उसमें दो चीज, रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, एंड वन थिंग दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो रिट्रेसमेंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो रिट्रेसमेंट ये होता है कि काउंटर ट्रेंड मूव आता है, जो एक ट्रेंडिंग मूव आने के बाद जो काउंटर ट्रेंड मूव आता है दैट इज कॉल्ड अ रिट्रेसमेंट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर कि जैसे ये कोई ट्रेंडिंग मूव यहाँ से आया और ये काउंटर ट्रेंड मूव होता है दैट इज कॉल्ड अ रिट्रेसमेंट, राइट। और एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन जो होता है वो एक प्रीवियस ट्रेंड था उसकी डायरेक्शन में जो मूव आता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो रिट्रेसमेंट जो है फिबोना की रिट्रेसमेंट टूल है और फिबोना की एक्सटेंशन टूल आता है। तो जो रिट्रेसमेंट टूल है वो हम हमारी एंट्री को रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं और जो एक्सटेंशन का जो टूल है दैट वी यूज टू डिराइव एट ए लॉजिकल टारगेट, दैट्स इट। बस फिबोनाची की मतलब इतनी ही चीजें आपको समझनी है और एक गोल्डन रेशियो है तो 0.618 एंड 1.618 आर द गोल्डन रेशियो। अगर आपके पास नोट पेंस नहीं है तो ले लीजिए बिकॉज आई डोंट हैव एनी पीपीटी, तो चीजों को नोट डाउन कर लिए। इसको ये जो दो रेशियोज है उसको गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं वो थियोरी भी आपको समझनी है, यू कैन जस्ट गूगल। सो क्लियर, फिबोना के रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन और गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम चीजें समझते हैं प्राइस एक्शंस के बारे में। तो प्राइस एक्शंस जो बिहेवियर है उसके लिए मैंने पूरा एक वेबिनार भी किया था और जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके लिए ये चीज बहुत ही यूजफुल होगी, तो आप पर्टिकुलर ध्यान से सुनना। अब जो प्राइस एक्शंस है तो उसमें ये है कि प्राइस मूव्स आर नॉट रैंडम। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी एक बेसिक एजम्पशन है कि प्राइस मूव इन अ ट्रेंड, सो एक रिदमेटिक मूवमेंट होती है, एक जो वेव्स लाइक पैटर्न होती है उसमें वो मूव होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस चार्ट पैटर्न्स आर रिपीटेड ओवर एंड अगेन, मतलब जो हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं हम, देन सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, देन कप एंड हैंडल, कप विदाउट हैंडल, राउंडिंग बॉटम, all these patterns जो continuous और reversal patterns है, why they are repeated? Because there is a pattern, price की एक pattern होती है और pattern पे ही सब चीजें चलती है। तो trading में भी आपको pattern recognition machine बनना पड़ेगा। और एक most common जो music है, जो rhythm है price की, वो है impulse, correction and impulse। बहुत ही simple concept है, ठीक है, उसको मैं वापस यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा आपको एक बार। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, सो दिस इज एन इम्पल्स। ये जो काउंटर ट्रेंड मूव आता है उसको हम बोलते हैं करेक्शन और दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स ये होता है कि जो डायरेक्शन जो ट्रेंड का है प्रीवियस उसकी उसकी डायरेक्शन में जो मूव आता है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं, जो पहला ट्रेंड था, राइट। और काउंटर ट्रेंड मूव्स आर करेक्शन। तो
अब ये जो पैटर्न है उसको हम लेबल करते हैं ए बी एंड सी। सो दिस इज ए बी सी, दैट मीन्स इंपल्स करेक्शन एंड इंपल्स। क्लियर? सो अब हम चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। और अगर डाउन ट्रेंड है तो ये मूव कैसे होगा? लाइक दिस, ए बी एंड सी, दिस विल बी योर ए, दिस विल बी बी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सी। क्लियर? नाउ ये जो काउंटर ट्रेंड मूव है उसको मैंने बताया कि रिट्रेसमेंट है, तो उस टाइम पे हम रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे टू मेजर दिस, जो इंपल्स, जो नेक्स्ट इंपल्स आएगा उसका टारगेट लॉजिकली डिसाइड करने के लिए। नाउ अब हम चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करते हैं। तो जैसे ये करेक्टिव पैटर्न हुई कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो अब हम यहाँ पे जाओगे आप ये investing.com में, आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। सो रिट्रेसमेंट लेना को रिट्रेसमेंट लेना है, रिट्रेसमेंट जहां हुआ विंग स्टार्ट हुआ वहां से आप मेजर करोगे, और जहां जो इम्पल्स खत्म हुआ वहां तक ले जाओगे, और जो रिट्रेसमेंट था वो कहाँ तक खत्म हुआ दैट वी विल डिसाइड। तो रिट्रेसमेंट के कुछ पॉइंट्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर रिट्रेसमेंट 0.236 टू 0.382 के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं सैलो रिट्रेसमेंट। अगर 0.5 से ज्यादा हो जाता है, जैसे यहां पर 0.382 का कंफाइन है तो दिस इज सैलो। अगर 0.5 से ज्यादा हो जाता है रिट्रेसमेंट, यहां पर ये बी का रिट्रेसमेंट, लेट्स से इट एक्सीड्स 0.5, तो इसको हम बोलते हैं डीपर रिट्रेसमेंट। और 0.382 और 0.5 के बीच में जो कन्फाइंड रहता है उसको हम बोलते हैं एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट, जो होता है नेचुरल, दैट इज कॉल्ड। क्लियर? तो रिट्रेसमेंट में ये चीज है। अब टारगेट के लिए हम एक्सटेंशन का टूल यूज करेंगे। तो अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो 0.382 तक का रिट्रेसमेंट कन्फाइंड रहता है, इफ योर रिट्रेसमेंट इज कन्फाइंड अप टू 0.382, दैट मीन्स कि सैलो रिट्रेसमेंट है, तो नेक्स्ट इंपल्स का टारगेट क्या हो सकता है? आइडियली 1.618 टू 1, 100% एक्सटेंशन आता है। तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन। कि यहां पर जाना है, जैसे पहले हमने, सॉरी, यहां पर पहले हमने रिट्रेसमेंट टूल यूज किया, नाउ टू अराइव एट अ लॉजिकल टारगेट विल यूज एक्सटेंशन टूल। तो यहां पे आपको ट्रेंड वेस फिबोनाची एक्सटेंशन सिलेक्ट करना है, फ्रॉम 0 to A मेजर कीजिए, उसमें से आप B को माइनस करिए, तो यू विल हैव ए टारगेट। तो अगर वो 0.382 तक का कन्फाइन था तो व्हाट वुड बी अवर लॉजिकल टारगेट? दिस, इन एक्सट्रीमली बुलिश केस इट मे गो अप टू 1.618। सो वो बेस कौन सा है? बेस का कंसेप्ट मैंने आपको इंट्राडेज के वीडियो में समझाया है। सिमिलरली यहां पर भी आप बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस है तो इट कैन गो अप टू 1.618। थर्ड या फोर्थ बेस के बाद व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट 0.5 या 0.618 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? अब रिट्रेसमेंट में एंट्री के लिए हमें कुछ कॉमन सेंस या कुछ चीजें हम कंबाइन करेंगे जिससे ये स्ट्रेटजी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैंने आपको बताया कि फ्यू कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर माय फेवरेट, जैसे बुलिश एंगल्पिंग, बेरिश एंगल्पिंग, डोजी, इनसाइड बार। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ आता है 0.382 के आसपास। एंड व्हेन यू सी एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, जितने भी स्टूडेंट्स उनको मैंने समझाया, बहुत ही पावरफुल एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर यू कैन सी, या तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बुलिश एंगल्पिंग बनी है या तो इनसाइड बार है, तो
आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये बी वेव खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट इम्पल्स तैयार की तैयारी कर रहा है ये। कुछ मूविंग एवरेजेस भी हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज वॉल्यूम्स, यस वॉल्यूम्स आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। मेक श्योर कि जब भी ये बी का रिट्रेसमेंट आता है यहाँ से अप ट्रेंड में, तो वॉल्यूम्स आर श्रिंकिंग, कम वॉल्यूम होना चाहिए। और वी कैन ऑल्सो यूज सम अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स राइट, जैसे ADX, RSI, जो भी चीजें आप कंफर्टेबल हो। सी आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रॉड कंसेप्ट, किस चीजों के साथ आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप इसको ऑप्टिमाइज करना। मैं हमेशा वेनिला स्ट्रेटेजी देता हूँ राइट, फिर आपको उसमें अपने फ्लेवर के हिसाब से, यू कैन मेक इट मैंगो फ्लेवर, यू कैन मेक इट बनाना फ्लेवर और वॉट एवर यू लाइक राइट। सो एक ब्रॉड कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर सैलो रिट्रेसमेंट है तो 1 to 1.618, अगर थोड़ा ज्यादा रिट्रेसमेंट है तो क्या होगा, टारगेट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 1 या तो 0.6182 1 राइट। और बेसिस एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन जब हम चार्ट पे देखेंगे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए आपको इसका उल्टा करना होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूमिंग कि आपको मतलब यू आर टोटली न्यू, तो डाउन ट्रेंड है तो यहां पर जो मूवमेंट आएगा ये ऐसे आएगा, ए दिस विल बी योर काउंटर ट्रेंड मूव, बी एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वेव सी। तो अगर ये 0.382 तक कन्फाइन रहा तो ये 1.618 तक की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सो नाउ हम चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं। सी इनिशियली यू मे फाइंड कि ये पैटर्न ढूंढने में या समझने में आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहे, बट विथ प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर्स भी होता है, एवरीथिंग मतलब पैटर्न पे ही सब चीजें चलती है। वी डेवलप ह्यूरिस्टिक बेस्ड ऑन पैटर्न, आपको पता भी नहीं होगा, पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो शॉर्टकट्स है वी यूज, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन पैटर्न। जो मतलब डॉक्टर का एक एग्जाम्पल लू, 15-20 साल की प्रैक्टिस की, वो नर्व्स देख के बता देता है, बीपी मेजर नहीं करेंगे, आपका बीपी हाई है राइट। तो ये बी ए पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन, पैटर्न के विद चलेगी विद राइट प्रैक्टिस, राइट इन डेवलपिंग, राइट इंट्यूशन और सेविंग द चार्ट। चीजें है जो कॉमन है, दैट इंट्यूशन, योर राइट इंट्यूशन। तो अब हम यहाँ पर चीजों को देखते हैं, तो लेट अस देखते हैं एक सिप्ला। और सी ऑब्वियसली इसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही ध्यान रखना होगा, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है या ट्रेंडी स्टॉक है या कुछ न्यूज बेस्ड स्टॉक है उसमें आप काम करोगे, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो स्टॉक सिलेक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल। तो फॉर एग्जाम्पल ये सिप्ला का चार्ट है 60 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम में आप ये यूज कर सकते हो। आई एम हियर यूजिंग इट 60 मिनट चार्ट, और लोअर टाइम फ्रेम में ज्यादा मत जाना राइट, बिकॉज वहां पे जिगजैग ज्यादा होते हैं। 60 मिनट डेली ये प्रिफर्ड टाइम फ्रेम है। अब सिप्ला का जो मूव आया, अब यहां पर हम देखें तो यू कैन आइडेंटिफाई अ पैटर्न। सो दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन एंड दिस इज इम्पल्स राइट। सो अब हम देखते हैं यहां पर कि ये इम्पल्सिव मूव था और ये करेक्टिव मूव कहां तक कन्फाइंड रहा, 0.382 एग्जैक्ट। यू कैन सी दिस मूव इज कन्फाइंड टू 0.382। अगर 0.382 के आसपास कन्फाइंड रहता है, सेक्टरल टेलविंड है, मतलब स्टॉक कोई मोमेंटम में है, तो मन में लड्डू फूटना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी ए सुपर डुपर ट्रेड। तो आप एंट्री कहाँ लोगे? तो पहले देर आर मल्टीपल वेज, आप ये हाई क्रॉस करेगा ये ए का, लेट अस लेबल लाइक दिस, तो आपको चीजें पता चलेगी। तो ये जो पूरा इम्पल्स था उसको हम ए कहेंगे, यहां पर जो रिट्रेसमेंट आया है उसको हम बी कहेंगे, और ये जो मूव आएगा यहां से दैट विल लेवल एज अ सी। ए के ऊपर भी आप एंट्री कर सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट कि यहां पर ही कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या मूविंग एवरेज या एमटी जोन स्ट्रक्चर, ये सब चीजों से आपकी एंट्री रिफाइन हो जाएगी, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर थोड़े बहुत ले सकते हैं एंड देन वी कैन ऐड ऑन दिस ब्रेकआउट। तो लेट्स से कि यहां पर देखो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वैसे थी नहीं, बट नेक्स्ट डे इट गैप्ड अप
तो हमें पता चलेगा कि यस दिस वाज अ रिट्रेसमेंट और गैप अप हुआ है, या तो आपने यहां पर भी एंट्री ली है फॉर एग्जांपल 604 के आसपास, तो अब सैलो रिट्रेसमेंट था, तो व्हाट शुड बी योर आइडल टारगेट इन वेव सी, 1 या तो 1.618, बट ये जो फर्स्ट बेस है पूरा यहां से करेक्शन था, राइट? सो दिस इज अ फर्स्ट बेस, तो आइडियली वी शुड एक्सपेक्ट 1.618. सो लेट अस मेजर द एक्सटेंशन ट्रेंड बेस पर, फिबोनाची एक्सटेंशन में जाएंगे, विल टेक 0 टू ए माइनस बी, देन वी विल हैव अ टारगेट ऑफ 1 सी. 100% एक्सटेंशन, दिस वॉज अ वेरी लॉजिकल टारगेट. आपने यहां पर एंट्री ली होती जैसे 602 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा जो लो है 592. तो आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है यहां पर, 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस है 602 603 में, एंड यू आर गेटिंग 1:3 1:4. दीज आर द कॉमन मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे. अगर ये ब्रेकआउट दिया, ये जो ए का हाई उसने ब्रीच कर दिया इंपल्स का, देन ऑल्सो वी कैन एंटर यहां पर, राइट? सो यहां पे आप थोड़ा पोजिशन बढ़ा सकते हो. तो योर टारगेट वॉज आइडियली, यहां पर आपने थोड़ा बुक कर लिया, 1.61 इज द आइडियल टारगेट एंड इट हैज हिट दिस टारगेट. ओके, नाउ यू विल फाइंड पैटर्न्स विद इन द पैटर्न्स भी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मिस दिस मूव, सो दिस वॉज इम्पल्स करेक्शन एंड नाउ दिस हैज बिकम इम्पल्स, क्लियर? सो दिस वॉज ए बी एंड सी. नाउ वेन द काउंटर ट्रेंड मूव कम, सो दिस विल बिकम योर ए बी एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अनदर इम्पल्स मूव. तो लेट अस अज्यूम कि आपने ये मूव मिस कर दिया है, सो ए बी एंड सी एंड नाउ दिस हैज बिकम ए. सो यहां पर हम लेते हैं रिट्रेसमेंट फॉर एग्जाम्पल, सॉरी से. सो लेट अस टेक अ रिट फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर वेर इट इज कन्फाइंड 0.382, उसके नीचे क्लोजिंग आया ही नहीं और कपल ऑफ पिन बार. सो दिस इज अ सिग्नल. और वॉल्यूम के साथ हम देखेंगे, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम का थोड़ा यूज करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि वॉल्यूम शुड बी श्रिंकिंग, तो देखो वॉल्यूम्स आर श्रिंकिंग हियर 0.382 के आसपास. ट्राई टू लुक फॉर ए कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, अगर पैटर्न दिख रही है बट कॉन्फ्लुएंस पॉइंट नहीं है, यू कैन सिंपली पास द ट्रेड. देयर इज नो कंपल्सन. कुछ चीजें आप नोट डाउन करके रखो कि इतनी इतनी चीजें मुझे दिखेगी, देन ओनली आई विल टेक द ट्रेड. अगर वो ट्रेड फेवरेबल होता है, आपने नहीं लिया, छोड़ दिया कुछ चीजों की वजह से, देन यू शुड नॉट रिग्रेट. फोकस ऑन ए हाई क्वालिटी सेटअप, दैट इज माई पॉइंट. आप क्राइटेरिया नक्की करो कि दीज आर माई क्वालिटी सेटअप्स के ये क्राइटेरिया है, अगर ये मीट होते हैं देन ओनली आई विल मतलब ट्रेड, अदरवाइज आई विल सिंपली पास द ट्रेड. कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ट्रेड नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती है, ठीक है? तो 0.382 का एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट है. यहां से आप देखो फॉर एग्जाम्पल कि ये जो आप देखो, दिस इज एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, आई कैन टेल यू, जिनको पता होगा, राइट? सो एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, आप यहां पर एंट्री ले सकते हो. लेट्स से कि आपने 619 या 620 पे एंट्री ली है, योर स्टॉप लॉस वुड बी 610. सो क्या टारगेट एक्सपेक्ट करोगे? दिस इज अ सेकंड बेस, जैसे मैंने बताया था कि बेस कौन सा है. सो दिस वाज इंपल्स करेक्शन इंपल्स. सो एक बेस खत्म हो गया, नाउ इंपल्स करेक्शन इंपल्स, दिस इज अ सेकंड बेस, वी आर गोइंग इन अ सेकंड बेस. सो यहां से हम एक्सटेंशन लेंगे, इंपल्स करेक्शन इंपल्स. ओ माय गॉड, इट हैज हिट द 1.618 अगेन. तो लेट अस मतलब ये चीजें आप एक्सप्लोर, पता चलेगी नहीं तो आपको पता चलेगी, टेक एनी चार्ट, तो वी कैन लेबल इट लाइक दिस, ए बी सी, क्लियर? अब जब स्विंग्स चेंज हो जाते हैं, सी दिस इज परफेक्टली ट्रेडेबल, बट सिंस ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो आई वुड नॉट सजेस्ट के, बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग एन ईज टू ट्रेड, क्योंकि लोगों को खुजली ज्यादा होती है, तो यू कैन ट्रेड. तो यहां पर भी हम मेजर कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट लेंगे पहले, रिट्रेसमेंट क्या आया है.
रिट्रेसमेंट इज अराउंड 0.5, रीजनेबल रिट्रेसमेंट है. व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 0.5 तक है 100% एक्सटेंशन. सो वील गो टू द एक्सटेंशन ए माइनस बी और सी करेंगे. तो आइडियली ये टारगेट होना चाहिए और ऑलमोस्ट ये देखो यार 619 के आसपास का आपका टारगेट आ रहा था, 6189 के आसपास, और 623 के आसपास गया है. तो इट इज ऑलमोस्ट अचीव योर टारगेट. बट जैसे मैंने बताया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप प्रीफर ना करो शॉर्ट करना. बट कुछ स्टॉक्स मूविंग एवरेज के काफी ऊपर निकल जाते हैं, व्हेन मतलब काफी एक्सटेंडेड हो जाता है मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक, तो दैट वी कैन कंसिडर. ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ अपनी कोचिंग. अब एक्सिस बैंक का हम चार्ट देखें, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर पैटर्न वॉज देयर यहां पर. सो ए बी सी यहां पर भी कर सकते हो. अगर इफ यू डू, अगर आप नए नए हो तो यू शुड भी, मतलब आपको एक क्लियर पैटर्न दिखनी चाहिए. तो यहां पर क्लियर दिख रहा है. अगर आपने ये नहीं किया, आई कैन ट्रेड दिस पैटर्न, बट आपने यहां पे नहीं किया, नो प्रॉब्लम. आप क्या करोगे यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेजर द रिट्रेसमेंट, कहां तक रिट्रेसमेंट आया है. सो ए टू बी का रिट्रेसमेंट क्या है, 0.618, एग्जैक्ट गोल्डन रेशियो. मन में लड्डू फूटना चाहिए, 0.618 के आसपास रिट्रेसमेंट है. दिस इज आई थिंक बेरिश एंगल्फिंग जैसी पैटर्न है. देखो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और दूसरे दिन, तो आपने ये कैंडल का लो ब्रीच होने के बाद या तो ये कैंडल के बाद यहां पर भी बेचा है 425 के आसपास विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 435, 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है. तो आप ऑप्शंस में भी बाय कर सकते हो बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इम्पल्स. तो दिस स्ट्रेटेजी यू कैन ट्राई फॉर इम्पल्स. तो व्हाट शुड बी योर टारगेट, तो सबसे पहले आप लेबल कर सकते हो यहां पे जाके एलओटी करेक्टिव पैटर्न्स में. सो दिस वाज इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स. ये वीक स्टॉक है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें 100% या 1.618 तक का मूव आ सकता है. तो नाउ वी कैन गो टू फिबोनाची एक्सटेंशंस. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 0 टू ए माइनस बी. And what target we should expect? 100%. It was achieved. And look at this. This is the power of golden ratio. The retracement was 0.618 and it has achieved 1.618 exact target. Take any chart, any time frame. But जैसे मैंने बताया कि थोड़ा higher time frame रखोगे तो it would be better. कुछ और charts हमें देखने हो तो we can check, for example, Reliance. You can check. So this is the chart of Reliance. We are going to analyze. अब हम देखे retracement ले थोड़ा. ये जो move आया था, that move we had captured क्योंकि 20 EMA के आसपास था. Reliance जिले strong uptrend. आप सबको पता है, ठीक है? तो we would not prefer शॉर्ट. तो यहां पर देखिए, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्टिव मूव. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, 100% एक्सटेंशन. सो विल मेजर द ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हियर हियर हियर. सो वी हैव टू, इवन इट हैज हिट 1.6 एग्जैक्ट यहां पर 100% एक्सटेंशन के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया था, एज यू कैन चेक. सो कुछ कॉमन सेंस आप यूज करोगे, स्टॉक सिलेक्शन राइट होगा, कुछ चीजों को कंबाइन करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.